अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। आज हम एक बहुत ही क्रोशिया से प्यारी सी झालर डिज़ाइन बनाएंगे दुपट्टे पे। तो आप लोग इस डिज़ाइन को कमीज़ पे भी बना सकते हैं, दामन पे जैसे बना सकते हैं, स्लीव्स पे बना सकते हैं, इस डिज़ाइन को बेबी फ्रॉक के दामन पे बना सकते हैं और साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं। आप जहाँ भी बनाना चाहें आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सिल्क का धागा। ये देखिए आर्ट सिल्क है ये, तो इस धागे को मैं यूज़ करूँगी। तो इस धागे को मैंने तीन लेयर करके बना लिए हैं, तीन लेयर करके इसको बना लिए इस धागे के। अब एक धागा ये साथ में अटैच कर लेंगे। तो मैं इस डिज़ाइन को जो है ना चार लेयर करके बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से एक धागा इसको भी साथ में जब मिला लेंगे तो ये चार लेयर धागा बन जाएगा। तो चार लेयर के धागे की इस डिज़ाइन को मैं बनाऊँगी। और इसके लिए मैं कुरेशिया जो ले रही हूँ 11.07 mm की, और जो है इसमें इस तरह की बीड्स लगाएंगे, ग्लास बीड्स जो होती हैं उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने जो है बीड्स पहले से ही एक धागे में डाल रखी हैं, तो उस धागे से डायरेक्ट इस वाले धागे में बीड्स को पिरो लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक धागे में पिरो के रखा है बीड्स को। अब इस वाले धागे में कर लेंगे, तो जिसमें मैंने बीड्स को पिरोया है उस वाले धागे से, और जिसमें हमें बीड्स को लेना है मतलब कि इस वाले धागे में हमें चाहिए तो हमें इसमें से इसमें लेना है ना, तो इस वाले धागे के सिरे को पकड़ के इसमें एक छोटी सी नॉट लगा देंगे। इस तरह ऐसे नॉट लगा देंगे, फिर इस वाले धागे से इस तरफ ऐसे करते हुए देखिए कितनी आसानी से जा रही हैं सारे बीड्स अंदर। तो इसी तरह से हम सारे बीड्स को अपने धागे में कर लेंगे जिससे हमें काम करना है, डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, तो मैं पूरी करके फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सारी बीड्स इस वाले धागे में आ गई ना। अब इस वाले धागे को हम ऐसे हल्के से खींचेंगे, इस तरह ये धागा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले धागे से डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोशिया पे नॉट बनाते हुए इस तरह से, तो मैं जो है दुपट्टे के एक साइड के पल्लू में ये डिज़ाइन को बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो चारों तरफ बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, और आप स्लीव्स पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी दिखती है झालर जैसी ये डिज़ाइन। तो मैं एक साइड के पल्लू में बनाऊंगी इस डिज़ाइन को, यहाँ से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह अटैच करने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेके थोड़े सी दूर पे डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन डबल क्रोशिया। तो 1 चैन डबल क्रोशिया के साथ हम बेस लाइन तैयार करेंगे पहले। हम जो है कपड़े के सीधे साइड से बेस लाइन को बना रहे हैं, ये कपड़े का उल्टा साइड है और ये जो है सीधा साइड है। ठीक है, इस तरह से पहले बेस लाइन तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से बेस लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेते हुए बैक साइड में आ जाएंगे। ऐसे बैक साइड में आने के बाद अब हम मोतियों के साथ बनाएंगे एक लाइन, साथ में बीड्स को अटैच करते हुए बनाएंगे। तो इस पहले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीड्स को इस तरह लगाते हुए। ठीक है, फिर 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेके नेक्स्ट वाले गैप में इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीड्स को अटैच करते हुए, फिर 1 चैन डबल क्रोशिया, साथ में बीड्स अटैच। तो हम एक लाइन इसके ऊपर इस तरह से बीड्स के साथ बना लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर और भी लाइनें बना सकते हैं, जितनी आपको चौड़ी लेस चाहिए तो आप बीड्स के साथ या बगैर बीड्स के और भी लाइनें बना के फिर उसके बाद डिज़ाइन को बनाएं, या तो चाहें बस आप एक लाइन ही बेस लाइन बना के उसके ऊपर डिज़ाइन को आप लोग बना लें। जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप बना सकते हैं।
ठीक है। इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी शेयर की है, ये झालर वाली डिज़ाइन, लेकिन आप वो डिज़ाइन जब देखेंगे और ये डिज़ाइन देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत प्यारी लगेंगी ये डिज़ाइन बनने के बाद, लेकिन दोनों में फ़र्क बस इतना है ये वाली डिज़ाइन थोड़ी सी उससे हल्की दिखेगी झालर, और वो जो है वो बहुत ही घने घने झालर बने हैं। आप बना के जब देखेंगे उस तरह की भी और इस तरह की भी, तो वो बहुत ही घने हैं, बहुत ही प्यारे वो भी दिखते हैं जब बनने के बाद। और जब ये बनेगी ना, ये थोड़ी सी उससे हल्की रहेगी, ये भी बहुत ही प्यारी दिखेगी डिज़ाइन, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और उसके पास वाली जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है ना। तो मैं ये लाइन पूरी करके फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। आखिर में यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे बीड्स के साथ, फिर यहाँ पे हम वन चैन लेके ये जो सिंगल क्रोशिया से हमने अटैच किया था ना, इस पे एक बार बना लेंगे यहाँ पे इस तरह। इस बार हम बीड से नहीं लगाएंगे आखिरी टाइम, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो नहीं लगाएं, क्योंकि आखिरी टाइम आप बीड से लगाएंगे ना तो यहाँ पे ऐसे निकली निकली दिखेगी, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, और आप चाहें तो लगा लें। तो अब हम आ जाएंगे राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में आने के बाद यहाँ पे हम चैन अब बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम 12 चैन बना लेंगे ऐसे। 12 चैन बना के तो बीड्स अब अटैच करेंगे, ये एक हमारी ख़राब बीड्स है तो इसको हम तोड़ के निकाल देंगे। बीड्स अटैच करेंगे, 4, 4, 8, तो 8 बीड्स ले लेंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेंगे इस तरह। तो इस तरह से बनाने के बाद ये पहले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेके फिर से हम बीड्स लगाएंगे, तो हम 8 बीड्स अटैच करेंगे, 4, 4, 8 इस तरह, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेते हुए अब इस दूसरे वाले गैप में जो है सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, फिर चैन लेंगे हम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेके फिर से हम 8 बीड्स लगाएंगे, 4, 4, 8, 8 बीड्स अटैच करेंगे इस तरह, फिर 12 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेके अब हम फिर से दूसरे वाले जो है गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। इसी तरह से हम अपनी डिज़ाइन को बनाते जाएंगे, बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारी दिखती है बनने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चैन लेके, 4, 4, 8 इस तरह, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 12 चैन लेके सारे स्पेस में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और आप चाहें तो जो मैं 12 चैन लेके 8 बीट्स अटैच कर रही हूँ, आप चाहें तो 10 चैन लेके 10 बीट्स आप अटैच करके फिर इस साइड में 10 चैन लेके इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपने डिज़ाइन को बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से जो है ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी दिखती है डिज़ाइन। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। और जो है ना, मैंने इस पे जब सबसे पहले तो आप जब इस डिज़ाइन को बना लें तो इस पे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे ना तो ये चेन सब मुड़ी मुड़ी सी रहती हैं, तब अच्छी नहीं दिखेगी ज़्यादा डिज़ाइन। तो इस पे आप प्रेस भी जब इस तरह से अगर बिछा के, जैसे मैं कर रही थी प्रेस इस तरह से बिछा के ना, ऐसे ऐसे कर रही थी प्रेस, तो ये चेन ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही थी, थोड़ा मुश्किल हो रहा था प्रेस करने में। मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस पे कैसे किस तरह से प्रेस किया जाए ताकि बहुत अच्छे से डिज़ाइन सेट हो जाए। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक फ़ोटो लगा दूँगी लास्ट वीडियो में, आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मैंने प्रेस किया था। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से मैंने किया था। मैंने इस तरह ऐसे इस डिज़ाइन को ऐसे पकड़ा, पहले इस तरह बिल्कुल सीधी करते हुए, इस तरह से सीधी करके यहाँ पे एक पिन और यहाँ पे एक पिन, जो आप अपने स्टॉल में लगाते हैं, स्काफ में लगाते हैं ना, वो पिन मैं गद्दे में इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे अपने बेड के गद्दे में ऐसे बिल्कुल से चिपका के पिन लगा दिया मैंने। फिर इस तरह से ये डिज़ाइन जब खड़ी हो गई ना तो फिर इस पर ऐसे ही प्रेस कर दिया, तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन सेट हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से मैंने प्रेस किया। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक पिक्चर निकाल के मैं लगा देती हूँ बाद में, ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्यारी से डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से प्रेस किया है वो मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा जो है बेड का मैट्रेस है, ये गद्दा है बेड का, तो इसके ऊपर हम डिज़ाइन को पहले अपने दुपट्टे को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रेस को करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की पिन तो ज़रूर होगी, आप लोग अपने स्कार्फ में लगाते ज़रूर होंगे इस तरह की पिन। अगर आपके पास इस तरह की पिन है तो आप इसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस पिन को हम किस तरह से लगाएंगे, ये हमारा दुपट्टा मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है बेड के ऊपर, इसको हम इस तरह नीचे करेंगे, ऐसे लटका लेंगे, ऐसे इस तरह से लटका के, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। फिर उसके बाद ऐसे हम दुपट्टे को थोड़ा सा टाइट ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच के हमें जितनी दूर में प्रेस करना है ना वहाँ पे एक पिन लगा देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल से अब खींच जाएगा ना, जब डिज़ाइन अपनी टाइट हो जाएगी फिर इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रेस को बहुत संभाल संभाल के करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए प्रेस। इस तरह देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी से बैठ जा रही है ना। तो इतनी दूर देखिए मैंने प्रेस किया हुआ है तो कितनी अच्छी सी डिज़ाइन सेट है, और यहाँ पे मैंने प्रेस नहीं किया है तो किस तरह से डिज़ाइन मुड़ी मुड़ी सी दिख रही है। तो आप लोग भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।